Hello everyone, Sukrimatam Praveshama. Welcome back to my channel. Teaching subject of Sanskrit, B.I. Sethambad, Unit 1st, Role of Language के अंतर्गत हमारा जो सेक्शन लगातार टॉपिक चल रहा है लैंग्वेज एंड सोसाइटी, उसी के विषय में हम आगे चर्चा करेंगे। हमने लैंग्वेज के विषय में इंट्रोडक्शन और मीनिंग ऑफ लैंग्वेज यानी कि भाषा का अर्थ, भाषा की परिभाषाएं, डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेज, इसी के साथ साथ भाषा की विशेषताओं के विषय में प्रकाश डाला, चैप्टर ऑफ लैंग्वेज के विषय में प्रकाश डाला। अब हम देखेंगे समाज यानी कि सोसाइटी। सबसे पहले हम इसके अंतर्गत की इंट्रोडक्शन देखेंगे। समान रूप से यानी कि जनरली व्यक्तियों के समूह को समाज कहते हैं। व्यक्तियों की इन समूह विशेषों का अध्ययन सभी सामाजिक विज्ञानों में किया जाता है। मानव शास्त्र में मनुष्यों के किसी भी समूह को समाज की संज्ञा दी जाती है, यहाँ तक कि आदिम समुदाय को भी समाज कहा जाता है। भूगोल में क्षेत्र विशेष के समान सभ्यता वाले लोगों के समुदाय को समाज कहते हैं, जैसे कि भारतीय समाज, यूरोपीय समाज। धर्मशास्त्र में धर्म विशेष के मानने वालों के समुदाय को समाज कहते हैं, जैसे हिंदू समाज, ईसाई समाज और मुसलमान समाज। राजनीति शास्त्र में राज्य विशेष के लोगों के समूह को समाज कहते हैं, जैसे भारतीय समाज, ब्रिटिश समाज और अमेरिकी समाज। परंतु समाज शास्त्र में या सामाजिक विषय के अंतर्गत समाज का अर्थ इन सब से भिन्न रूप लिए रहता है। तो इसी के साथ हम देखेंगे मीनिंग ऑफ सोसाइटी यानी कि समाज का अर्थ। समाजशास्त्रीय अर्थ में व्यक्तियों के समूह को समाज नहीं कहते, अपितु समूह के व्यक्तियों में पाए जाने वाले सामाजिक संबंधों की व्यवस्था अथवा जाल को समाज कहते हैं। अब प्रश्न उठता है कि सामाजिक संबंध क्या है? जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक दूसरे के प्रति सचेत होते हैं और एक दूसरे के प्रति कुछ व्यवहार करते हैं, तो हम कहते हैं कि इनके बीच सामाजिक संबंध स्थापित हो गए हैं। ये आवश्यक नहीं है कि ये संबंध मधुर और सहयोगात्मक ही हो, ये कटु और संघर्षात्मक भी हो सकते हैं। समाज शास्त्र में इन दोनों प्रकार के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार समाज का सर्वप्रथम मूल तत्व दो या दो से अधिक व्यक्तियों की पारस्परिक जागरूकता है। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के एक दूसरे के प्रति सचेत होने के लिए ये आवश्यक है कि उनके उद्देश्य अथवा विचारों में या तो समानता हो या फिर भिन्नता हो। इस प्रकार समानता अथवा भिन्नता समाज का दूसरा मूल तत्व होता है। ये पारस्परिक जागरूकता दो ही रूपों में परिणत हो सकती है, सहयोग अथवा संघर्ष। इसलिए सहयोग अथवा संघर्ष को समाज का तीसरा मूल तत्व माना जाता है। वस्तु स्थिति ये है कि मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु एक दूसरे के प्रति सचेत होते हैं और वे तब तक इन संबंधों में नहीं बनते जब तक उनके एक दूसरे से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती है। इसे समाजशास्त्री अन्योन्याश्रितता कहते हैं। ये समाज का चौथा मूल तत्व होता है। समाज के बारे में दो तथ्य और हैं। एक तो ये कि समाज अमूर्त होता है और दूसरा ये कि केवल मनुष्य जाति में ही नहीं अपितु पशु पक्षियों और कीड़े मकोड़ों में भी पाया जाता है। ये बात दूसरी है कि समाजशास्त्र में केवल मानव समाज का ही अध्ययन किया जाता है। अब इसी के साथ हम नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे डेफिनेशन ऑफ सोसाइटी, समाज की परिभाषाएं। सबसे पहले हम देख रहे हैं टैलकॉट पर्सन की द्वारा दी गई परिभाषा। समाज को उन मानवीय संबंधों की पूर्ण जटिलता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो साधन तथा साध्य के संबंध द्वारा किया क्रिया करने यानी कि जो कार्य है उसको करने के करने से उत्पन्न हुए हैं, वे चाहे वास्तविक हो अथवा प्रतीकात्मक। नेक्स्ट डेफिनेशन हम देखेंगे मैकाइवर और पेज की दी हुई। इन्होंने लिखा है, समाज रीतियों तथा कार्य प्रणालियों की, अधिकार तथा पारस्परिक सहयोग की अनेक समूह और विभागों कि मानव व्यवहार के नियंत्रणों और स्वतंत्रताओं की एक व्यवस्था है। इस सतत परिवर्तनशील व्यवस्था को हम समाज कहते हैं। इसी बात को उन्होंने आगे संक्षिप्त रूप में
इस प्रकार से कहा है, ये समाज सामाजिक संबंधों का जाल है जो सदैव बदलता रहता है। इट्स सोसाइटी इज वेव ऑफ सोशल रिलेशनशिप एंड इट इज ऑलवेज चेंजिंग। लापियर महोदय द्वारा एक परिभाषा दी गई है, इन्होंने भी संक्षेप में एक परिभाषा दी है और स्पष्टता की है कि समाज क्या है। समाज से तात्पर्य व्यक्तियों के समूह से नहीं अपितु समूह के व्यक्तियों के बीच होने वाली अंतः क्रियाओं की जटिल व्यवस्था से है। यहाँ कहने का तात्पर्य ये हो जाता है कि एक भीड़ इकट्ठी कर दी तो उसे समाज नहीं कहेंगे, अगर उनके अंदर अंतः क्रिया नहीं है, एक दूसरे से कोई भी कार्य नहीं पड़ता है या उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती है, तो उसको समाज नहीं कहा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे समाज और एक समाज। समाज शास्त्र में समाज और एक समाज भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयोग होता है। समाज का अर्थ समूह के व्यक्तियों के बीच सामाजिक संबंधों की व्यवस्था से होता है, जबकि एक समाज यानी कि जो एक समाज है, एक समाज से तात्पर्य सामाजिक संबंधों से बंधे व्यक्तियों के समूह से होता है। ये से स्पष्ट होता है कि समाज अमूर्त होता है और एक समाज मूर्त होता है, लेकिन व्यक्तियों के प्रत्येक समूह को एक समाज नहीं कहा जाता। एक समाज व्यक्तियों का ऐसा संगठन है जो कुछ उद्देश्यों की पूर्ति के लिए गठित होता है, जैसे कि जैन समाज, भारतीय समाज आदि। इस संबंध में मैंजन महोदय ने लिखा है कि एक समाज व्यक्तियों का एक ऐसा समूह होता है जिसमें सभी व्यक्ति किसी सामान्य कार्य में सचेत रूप से भाग लेते हैं। इसी के साथ हम देखेंगे समाज और शिक्षा में संबंध, रिलेशन बिटवीन सोसाइटी एंड एजुकेशन। समाज और शिक्षा में अन्योन्याश्रित संबंध है, परंतु इससे पहले कि हम समाज और शिक्षा के इस आपसी संबंध के विषय में विचार करें, ये आवश्यक है कि हम शिक्षा के संदर्भ में सामाजिक रूप से या कहें समाज के वास्तविक अर्थ से परिचित हो जाएं। समाज शास्त्रीय भाषा में समाज का अमूर्त संपर्क है, सामाजिक संबंधों का जाल है, परंतु सामान्य प्रयोग में सामाजिक संबंधों से बने समाज विशेष को समाज कहते हैं। समाज शास्त्रीय भाषा में इसे एक समाज कहा जाता है। आज संसार के प्राय सभी राष्ट्रों में शिक्षा की व्यवस्था करना राज्य का उत्तरदायित्व माना जाता है और इस दृष्टि से राज्य विशेष की संपूर्ण जनता ही राज्य का समाज होती है। आज जब हम शिक्षा के संदर्भ में समाज की बात करते हैं तो हमारा तात्पर्य राज्य अथवा राष्ट्र विशेष की संपूर्ण जनता से हो जाता है। जब हम इस प्रकार से किसी समाज का अध्ययन करते हैं तो उसके अंतर्गत उसके घटक व्यक्ति 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 समूह और समूह समूह के सामाजिक संबंधों अथवा सामाजिक अंतःक्रियाओं का ही अध्ययन करते हैं। तथ्य ये है कि जैसा समाज होता है वैसी ही उसकी शिक्षा होती है, और जैसी किसी समाज की शिक्षा होती है वैसी ही वह समाज वैसा ही वह समाज बन जाता है। अब स्पष्टीकरण हेतु हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे समाज का शिक्षा पर प्रभाव, क्या प्रभाव पड़ता है। समाज की भौगोलिक स्थिति और शिक्षा किसी भी समाज का जीवन उसकी भौगोलिक स्थिति से प्रभावित होता है। जब उसकी शिक्षा भी उससे प्रभावित होनी स्वाभाविक है, यानी कि जैसे कि जीवन उसकी भौगोलिक स्थिति से प्रभावित होता है, तब उसकी शिक्षा भी उससे प्रभावित होनी स्वाभाविक हो जाती है। जिन समाजों की भौगोलिक स्थिति ऐसी होती है कि उन्हें मनुष्य को जीवन रक्षा के लिए कड़ा संघर्ष करना पड़ता है, उसमें अधिकतर व्यक्तियों के पास शिक्षा के लिए ना समय होता है और ना धन। परिणाम का उनमें जन शिक्षा की व्यवस्था नहीं होती और शिक्षा का क्षेत्र भी सीमित होता है। इसके विपरीत जिन समाजों में भौगोलिक स्थिति मानव के अनुकूल होती है और प्राकृतिक संसाधन भरपूर होते हैं, उनमें व्यक्तियों के पास शिक्षा के लिए समय और धन दोनों ही होते हैं। परिणाम का उनमें शिक्षा की उचित व्यवस्था होती है। ये तथ्य भी सर्वविदित है कि जिस देश में जैसी प्राकृतिक संसाधन जैसे भी प्राकृतिक संसाधन होते हैं उनमें वैसे ही उद्योग धंधे पनपते हैं और उन्हीं के अनुकूल वहाँ शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। कृषि प्रधान देशों में कृषि शिक्षा और उद्योग प्रधान देशों में औद्योगिक शिक्षा पर बल दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे समाज की संरचना और शिक्षा। भिन्न भिन्न समाजों के भिन्न भिन्न रूप होते हैं। कुछ समाजों में जातियाँ होती हैं और जाति भेद भी। कुछ में जातियाँ होती हैं परंतु जाति भेद नहीं होता और कुछ में जातियाँ ही नहीं होती हैं। इसी प्रकार कुछ समाजों में कुलीन और निम्न वर्ग भेद होता है
और कुछ समाजों में नहीं होता। समाज जिसके स्वरूप का उसकी शिक्षा पर प्रभाव पड़ता है। उसने भारतीय समाज को ही ले लीजिए, जब उसमें कठोर वर्ण व्यवस्था भी लागू की गई थी, यानी कि जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये सबके कार्य अलग अलग थे। जैसे कि ब्राह्मण का कार्य अध्ययन करना और कराना था, और क्षत्रिय का कार्य युद्ध करना, और यानी कि एक तरह से युद्ध करना ही था, और वैश्य का कार्य व्यापार करना तथा शूद्र का कार्य जो है इन तीनों वर्णों की सेवा करना था। अब यहाँ पर शूद्रों को उच्च शिक्षा से वंचित रखा जाता था, और आज जब वर्ण भेद में विश्वास नहीं किया जाता, तो समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए शिक्षा की समान सुविधाएं उपलब्ध कराने का नारा बुलंद हो चुका है। और ये जो तीनों वर्ण बताए गए थे, इनको उतनी सुविधाएं नहीं है जितनी कि शूद्र जाति के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं। नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे समाज की संस्कृति और शिक्षा। भिन्न भिन्न अनुशासनों में संस्कृति को भिन्न भिन्न अर्थ में देखा गया है, यानी कि अलग अलग तरीके से देखा गया है, परंतु आधुनिक परिप्रेक्ष्य में किसी समाज की संस्कृति से तात्पर्य उसके रहन सहन एवं खान पान की विधि, व्यवहार, प्रतिमानों, आचार विचार, रीति रिवाज, कला कौशल, संगीत, नृत्य, भाषा, साहित्य, धर्म, दर्शन, आदर्श, विश्वास और मूल्यों के उस विशिष्ट रूप से होता है जिसमें उसकी आस्था होती है और जो उसकी अपनी पहचान होते हैं। किसी समाज की शिक्षा पर सर्वाधिक प्रभाव उसकी संस्कृति का होता है। किसी भी समाज का, या कहें किसी भी समाज की शिक्षा के उद्देश्य से उसके धर्म दर्शन, आदर्श, विश्वास, उसकी आकांक्षाओं के आधार पर ही निश्चित किए जाते हैं। उसकी शिक्षा की पाठ्यचर्या में सर्वाधिक महत्व उसके भाषा साहित्य और धर्म दर्शन को दिया जाता है, और शिक्षा संस्थाओं में यथा व्यवहार प्रतिमानों को अपनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे समाज की धार्मिक स्थिति। जैसे कि धर्म संस्कृति का अंग है, परंतु वहाँ इसको अलग इसलिए किया गया है कि प्रारंभिक शिक्षा पर धर्म का सबसे अधिक प्रभाव पड़ रहा है। दूसरी बात यह है कि जब ये जो धर्म है उसके विषय में विद्वानों के भिन्न भिन्न मत हैं। कुछ इसे शिक्षा का आधार मानने के पक्ष में है और कुछ शिक्षा को धर्म से दूर रखने के पक्ष में। धर्म की दृष्टि से समाजों को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, एक में जिनमें धर्म विशेष को माना जाता है और दूसरे वे जिनमें धर्मों का प्रचलन होता है, यानी कि अनेक धर्मों का प्रचलन होता है जिनमें। इन समाजों की शिक्षा व्यवस्था भिन्न भिन्न होती है। धर्म विशेष को मानने वाले समाजों की शिक्षा में उनके अपने धर्म की शिक्षा दी जाती है। जैसे मुस्लिम राष्ट्रों में उसमें दूसरे प्रकार के समाजों में किसी धर्म विशेष की शिक्षा देना संभव नहीं होता, उनमें उदार दृष्टिकोण अपनाया जाता है, जैसे अपने देश भारत में ही है। कुछ समाजों में धर्म शिक्षा को स्थान ही नहीं दिया जाता है, जैसे कि रूस में। नेक्स्ट पॉइंट है समाज की राजनीतिक स्थिति और शिक्षा, यानी कि जैसी राजनीतिक स्थिति होती है उसी के अनुसार शिक्षा प्रदान की जाती है। समाज की आर्थिक स्थिति, जैसी आर्थिक स्थिति होती है, यानी कि जहाँ पर धन की अधिकता, यानी कि धन भी है और उनके जो औद्योगिक क्षेत्र में या कहें व्यवसाय क्षेत्र में उनमें संपन्नता है, या फिर आर्थिक दृष्टि से संपन्न समाज में वहाँ के विषय की शिक्षा अच्छी प्रकार से होती है। नेक्स्ट, सामाजिक परिवर्तन और शिक्षा। ये हम जानते हैं कि समाज परिवर्तनशील है। संसार का इतिहास इस बात का साक्षी है कि समाज के साथ साथ उसकी शिक्षा का स्वरूप भी बदलता आया है। अपने भारतीय समाज को ही ले लीजिए, प्राचीन काल में इसकी भौतिक आवश्यकताएं कम थी और आध्यात्मिक पक्ष प्रबल था, इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में धर्म और नीति शास्त्र की शिक्षा पर अधिक बल दिया जाता था, परंतु आज उसकी भौतिक आवश्यकताएं बढ़ गई हैं और आध्यात्मिक पक्ष निर्बल पड़ गया है। इसलिए शिक्षा में जो है विज्ञान एवं तकनीकी को बल दिया गया है। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे शिक्षा का समाज पर प्रभाव और समाज, भाषा और समाज में संबंध। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।